बिग बॉस 16 के अंदर फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा है अंकित गुप्ता का एविक्शन। क्या सच में अंकित गुप्ता का एविक्शन हो चुका है? क्या सच में जिस तरह के ट्रेंड्स हम देख रहे हैं वो सच है? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट राजीव दातिया ने इस मुद्दे पर क्या कहा। वेल दोस्तों, राजीव दातिया अक्सर ही बीबी 16 के मुद्दों पर रिएक्ट करते हुए नजर आते हैं और एक बार फिर से सबसे बड़े मुद्दे यानी कि अंकित गुप्ता के एविक्शन पर राजीव ने रिएक्ट किया है। राजीव ने ट्वीट किया है और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, If Ankit has been evicted, then it's a great, great shame. One of the nicest, most purest souls in VV this season. Sometimes I wish the ones that don't fight all the time and don't argue can win Big Boss. Sometimes a real, genuine, nice, calm person should win. Hashtag VV16. वेल फिलहाल जिस तरह का ट्वीट राजीव दातिया ने किया है उससे तो यही लगता है कि अंकित गुप्ता को राजीव दातिया भी बेहद पसंद करते थे, क्योंकि भाई फिलहाल उनके एविक्शन पर जो ट्रेंड चल रहे हैं उसको देखकर तो लगता है कि अंकित गुप्ता के कई सारे फैंस हैं। इनफैक्ट अंकित गुप्ता केवल इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड ट्रेंड कर रहे हैं। तो फिलहाल उनके फैंस को बिग बॉस के मेकर्स की ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही कि अंकित गुप्ता का एलिमिनेशन हो चुका है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अंकित गुप्ता अगर बिना बात के इस मुद्दे में बीच में नहीं पड़ते तो वो इसलिए क्योंकि वो फालतू की लड़ाई नहीं करना चाहते। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको बोलना नहीं आता, लेकिन जिस तरह से उनका एविक्शन हुआ है वो भी ये बोलकर कि बिग बॉस के शो में उनका लीस्ट कंट्रीब्यूशन है, उसको देखकर तो यही लगता है कि अंकित गुप्ता के फैंस का निराश होना वाजिब है, क्योंकि अंकित गुप्ता का शो में कितना कंट्रीब्यूशन है वो हम हर रोज हर एपिसोड में देखते हैं। भले ही अंकित गुप्ता स्टार्टिंग में थोड़े स्लो थे लेकिन फिलहाल उन्होंने अपनी पेस पकड़ ली थी और काफी अच्छे से बिग बॉस के शो में उनका गेम नजर आ रहा था। लेकिन उसके बाद फिलहाल उनके एविक्शन की खबर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया और फिलहाल सुबह से अंकित गुप्ता के बारे में ही बातचीत हो रही है। अंकित गुप्ता के लिए तरह तरह के ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं और ऐसे में शो के मेकर्स को भी काफी ट्रोल कर रहे हैं यूजर्स। यूजर्स जो हैं कह रहे हैं कि बिग बॉस ने आखिर ये प्रूव कर ही दिया कि बिग बॉस बायस्ड है। इनफैक्ट लोगों ने ये भी कहना स्टार्ट कर दिया कि जिस तरह के एलिमिनेशंस होते हैं वो पहले से ही प्री प्लान्ड होते हैं, ये सिर्फ एक बिजनेस है, शो में होगा वही जो शो के मेकर्स चाहेंगे। लेकिन फिलहाल अभी इस बात पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है कि क्या सच में अंकित गुप्ता घर से बाहर हो गए हैं। हालांकि उनकी टीम का कुछ और ही कहना है। अंकित गुप्ता की टीम का कहना है कि उन्हें अभी बिग बॉस की तरफ से कोई नोटिफिकेशन या फिर कोई अपडेट ऐसा नहीं आया कि अंकित का एविक्शन हो गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि राजीव दातिया ने बिल्कुल ठीक कहा है, या आपको क्या लग रहा है अभी कि क्या राजीव दातिया ने जिस तरह से अपने ट्वीट को फ्रेम किया है कि अंकित गुप्ता जैसे अच्छे इंसान को भी कभी कभी बिग बॉस जीतना चाहिए और मैं भी सोचता हूँ वो कितना वाजिब है। इसी के साथ बॉलीवुड और टीवी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां भी हमें जरूर फॉलो कीजिएगा।